हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस सोएब शो। तो आज हम जिस बंदे को हिला हिला के निचोड़ने वाले हैं, उस बंदे का नाम है आमिर खान, जो कि नेपोटिज्म की दुकान से फुदक के बाहर आए हैं। आजकल आमिर खान का हाल भूल भुलैया के राजपाल यादव जैसा है, जिसको देख के हमको ऐसा लगता है। लोग कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है, जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। क्यों पापा? क्योंकि बेटा, पहले आमिर खान के विचार कुछ ऐसे थे। First time Kiran says should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. और अब को भी देश नहीं छोड़ना है, वो बिल्कुल क्लियर है कि उनको भी यहीं रहना है। वो भी, किरण जी भी यहीं पैदा हुई हैं, वो भी यहीं मरेंगी, और हम दोनों को देश से बहुत प्रेम है, कतई हम देश नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। ये पहले आमिर खान की हरकतें कुछ ऐसी थी। भूल गए का? अरे कितनी बार बताया आपको, हम ही गोला का नहीं हूं। और अब शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया। चल झूठा यार, कितना दोगला इंसान है यार ये। और भाई, बदला बदला तो लगना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तेरी मूवी जो आ रही है, और पिछले 2 महीने से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा जो ट्रेंड कर रहा है, तो भाई साहब के फट के हाथ में आई हुई पड़ी है। ये गान फट कर सब, यहाँ कुछ लोग कमेंट में आकर बोलेंगे कि अबे चूती, आमिर खान तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, लेकिन उसने कितनी अच्छी अच्छी मूवीज भी बनाई हैं। तो हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि उसने अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं, और अच्छी मूवी को हमने सपोर्ट भी किया है, फिर चाहे वो स्टार किड से क्यों ना हो। तभी आमिर खान ने 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ की ब्लॉकबस्टर दी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जिनकी वजह से स्टार बनाया उन्हें ही तुम चूतिया समझने लग जाओ, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करो, और फिर सोचो कि ये मेरी कॉपी मूवी को भी देखने आएंगे। यार आमिर खान वो बंदा है जो अभी मीडिया में आकर ऐसा बोल रहा है कि इंडिया से मैं बहुत प्यार करता हूं, मुझे गलत समझा जा रहा है, प्लीज मेरी मूवी को बॉयकॉट ना करो। बस हवा निकल गई। हाँ हाँ भाई, ये इंडिया से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिलता है। यार अपन अभी तक इसे गलत समझ रहे थे, ये तो इंडिया और तुर्की के रिश्ते को सही करने गया था, वहाँ है ना भाई, तू ही बता दे, सही करने गया था ना को। अरे क्या लावड़ा फंस गया मुंह में यार, इसने तो फिर भी आकर बोला तो सही कि मेरी मूवी को बॉयकॉट मत करो। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस तैमूर की मम्मी यानी कि करीना आंटी कहती है कि मूवी देखनी है तो देखो, नहीं तो गांड मराओ। बेंचो, इसमें इतना किस बात का एटीट्यूड है यार। चलो आंटी की बात तो बाद में भी कर लेंगे, पहले आमिर अंकल को पेलते हैं। यार ये बॉलीवुड वालों को मेहनत तो करनी नहीं है, इनको लगता है कि कोई भी अच्छी मूवी उठा के उसको सीन बाय सीन कॉपी कर लो और तुम्हारी मूवी ब्लॉकबस्टर चली जाएगी। अबे कौन सी सस्ती बीड़ी फूंक के ऐसी चीजें सोचते हो यार। जो फॉरेस्ट गंप को सबने देखा हुआ है, और अब इसी मूवी को हम 300 रुपए दे के वापस क्यों देखे यार, कुछ नया लाओ ना। आंसर तो नहीं आता मुझे। जब इनकी मूवी नहीं आ रही होती है तब ये ऐसे बोलते हैं। First time Kiran says should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. तब इनको इंडिया में डर लगता है, लेकिन यार चलो थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर डर लगने की वजह क्या है। पेपर हर रोज उठा लीजिए, हर रोज किसी दिन आप पेपर उठा लीजिए, न्यूज पे देख लीजिए, आप देखेंगे कुछ जल रहा है, कुछ मारपीट हो रही है, किसने किसको मार दिया, कुछ हो रहा है, कहीं पे बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे आतंकवादों ने, आतंकवादी हैं जो उन्होंने आईएसआईएस के लोग, हम सुनते हैं कि वो अभी इंडिया में घुसाए हैं। यार क्राइम और टेररिस्ट अटैक तो पहले भी होते थे, पर अभी क्यों डर लग रहा है? और 26/11 का टाइम क्या हुआ था, तब डर नहीं लगा था क्या? नहीं नहीं बहुत डर लगा था, डर क्या, मैं एकदम डिप्रेशन में चला। इतना मुझे सिवियर डिप्रेशन हुआ था कि करीबन 1-2 महीने तक मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तब गया नहीं गया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन लाल चंद चड्ढा की रिलीज के बाद जरूर जाएगा ये डिप्रेशन में। सही पकड़े हैं यार। इस रोते हुए शख्स से पूछो कि चाहे टेररिस्ट अटैक हो या चाहे दंगे हो, कुछ बड़ा हादसा हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है, नुकसान तो सिर्फ आम आदमी का ही होता है ना। और बैंक जो ये आकर बोलते हैं कि इनको डर लगता है। या तुमने आज तक भी ऐसा सुना है कि यहाँ दंगे हुए और किसी बड़े एक्टर का बेटा यहाँ पे घायल हुआ है, या उसको कोई चोट लगी है? बेंचो हर जगह मरता तो आम आदमी है, और इनको अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इंडिया से बाहर जाना है। यार इनका बच्चा पढ़ता बाहर है, घूमता बाहर है, वो तो बाहर इनको काम के लिए कोई पूछता नहीं, इसलिए ये काम करने इंडिया आ जाते हैं, ये सोच के चलो इंडिया में जाके एक्टिंग ही कर लेंगे, चाहे एक्टिंग करनी आए या ना आए, मूवी बनाते जाएंगे, पैसे लेते जाएंगे और किसी टैलेंटेड आउटसाइडर की जगह खा लेंगे।
जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार किरण को इंडिया में डर लगने की बात करने से पहले आमिर खान से डरना चाहिए था। क्यों पापा? क्योंकि ये इंडिया छोड़ने से पहले इसे छोड़ने वाला था। आई एम सॉरी बाबू। यार अगर इंडिया में इतना ही डर लगता है तो इंडिया में मूवीज क्यों रिलीज करते हो, उसे भी तुर्की में रिलीज करो ना। लेकिन इनको पता है कि अगर तुर्की में ही मूवी रिलीज करेंगे तो पिछवाड़ा भी टिश्यू पेपर से साफ करने जितने पैसे नहीं आएंगे, वो भी हाथ से साफ करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार इस बंदे का एक शो आता था सत्यमेव जयते नाम का, जिसमें ये औरतों के साथ न्याय करने की बातें करता था, लेकिन खुद दो बार शादी करके तलाक ले चुका है। बेंचो उनके साथ तो न्याय कर लेता पहले। यार आमिर खान ऐसा बंदा है जो खुद कपड़े पहन के घूमता है लेकिन बोलता ऐसा है। ऊपर वाला जो हमको बना के भेजता है ना, वो कभी कपड़े पहना के हमको नहीं भेजता। ये जो हमारा जो फिल्म में दिखाया वो नेचुरल स्टेट है। हम जैसे हम जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिना कपड़े के पैदा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कपड़े पहनने में या कपड़े ना पहनने में कोई वल्गैरिटी है या कोई गलत मैसेज है। क्या बोला तूने? अरे भाई जब भगवान ने बिना कपड़ों के बनाया है तो तू कपड़े पहन के क्यों रखता है यार, उतार दे इनको भाई, नंगा घूमना हर जगह। ये फंस गया सी है। यार जब तक अपनी सोच को तुम फॉलो नहीं करोगे तब तक तुम पे कोई विश्वास कैसे करेगा। लेकिन नहीं, बकचोदी अपनी जगह है, पहनने तुमको डिजाइनर कपड़े हैं। इनके ना डायलॉग है कि कौवे को देखा कभी टाई पहने हुए, तो जब टाई पहनेगा तो अजीब लगेगा, तो लिहाजा हम तो ये हमारी नेचुरल फॉर्म है, इसमें शर्म नहीं होनी। यार कोई इस बावली पूछ को समझाओ कि यही तो फर्क है ना इंसानों में और जानवरों में, कि उनके पास दिमाग नहीं होता, इसलिए कौवा बिना टाई के बैठा है। यार इंसानों के पास दिमाग है, उन्होंने खुद को डेवलप किया है, तब जाके उनमें इतनी समझ आई है कि क्या गलत है और क्या सही, इसलिए हम आज कपड़े पहन के घूमते हैं। और कौवा तो जॉब पे भी नहीं जाता, काम भी नहीं करता, तुम क्यों करते हो? तुम भी सब बंद कर दो, नंगा होकर सिर्फ रोड पे भागना चालू कर दो, मत बनाओ ये मूवीज। इसको कोई बोलना कि घूमना भयंकर ठंड में बिना कपड़ों के, सारी फिलोसफी इसकी धरी के धरी रह जाएगी कि कैसे मन की बात है ये। यार इसको बोलो कि हम सब लाल सिंह चड्ढा को 5 बार देखेंगे, बस तू बिना कपड़ों के प्रमोशन कर हर जगह, और वैसे भी तेरे लिए तो ये कोई गलत बात नहीं है, भगवान ने हमको ऐसा ही बनाया है। आमिर खान से जब रजत शर्मा ने पीके के बारे में पूछा तो ये बोलता है ऐसा, सबसे पहले तो ये कि देखिए शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती है, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, इसके लिए मजाक नहीं था, देख रहा है विनोद जब मूवी आती है तब कैसे शब्द बदल जाते हैं इनके। भाई ये बंदा जब मूवी नहीं आती ना तब बोलता है कि शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, दरगाहों पे चादर मत चढ़ाओ, इससे अच्छा उस पैसों से किसी गरीब की हेल्प कर दो। कोई बताओ कि उन्हीं मंदिरों में उन्हीं दरगाहों में गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया जाता है, उसके बारे में तो तुम कुछ नहीं बोलते। बेंचो कभी ऐसा भी बोलो ना कि 300 रुपए खर्च करके मेरी कॉपी मूवी देखने की बजाय ओरिजिनल मूवी आपको फ्री में मिल जाएगी, वो देख लो, या फिर थोड़े टाइम बाद ये मूवी तो टीवी पे आ ही जाएगी तब देख लेना, अभी इस 300 रुपए की किसी गरीब की हेल्प कर दो। अगर इतनी तुमको गरीबों की फिक्र है तो तुम क्यों रहते हो बंगलों में? भाई 4 लोगों की फैमिली को रहने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए, रहो ना एक नॉर्मल घर में, बाकी पैसे दे दो गरीबों को। क्यों घूमते हो BMW या मर्सिडीज में, घूमो किसी नॉर्मल गाड़ी में और बाकी पैसे दे दो गरीबों को। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वैसे यार आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, और हमें किसी को भी लेकर मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, एंड यार मूवी बनानी है तो ह्यूमैनिटी पे बनाओ, क्योंकि किसी के भी सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। Exactly. और यार सिर्फ आमिर खान ही नहीं, इस मूवी में जो एक्ट्रेस है तैमूर की मम्मी, उसके तेवर तो अलग ही है। और यार हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक वो पब्लिक को छूतिया बना के बहुत पैसा अंदर कर चुकी है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मूवी देखे या नहीं देखे। और यार गलती तो हमारी ही है, हमने इन स्टार किड्स की मूवी को देख देख के इनको स्टार बनाया, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। यार इनको कहो कि ऐसी बातें तो तुम्हारी करियर की स्टार्टिंग में बोलनी थी, अब जब हाथों में लकीरों से ज्यादा तुम्हारे चेहरे पे जूरियां आ गई हैं, तब आकर तुम ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो। यार करीना आंटी से जब एक बार नेपोटिज्म के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि डॉक्टर विल ऑल्सो से ना आई विश इवन माय सन बिकम्स अ डॉक्टर, बॉलीवुड एक्टर आर इजी टारगेट फॉर अदर्स। अरे आंटी आप स्कूल गई होती तो ये बात नहीं बोलती। यार डॉक्टर अगर चाहे कि उसका बच्चा डॉक्टर बने तो उसे पहले एग्जाम देने पड़ते हैं, नीट क्लियर करना पड़ता है उससे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि डॉक्टर बोलता है कि अरे बेटा तू 10वीं में फेल हो गया, चल कोई ना आजा मेरे हॉस्पिटल तुझे डॉक्टर बना देता हूँ। पर तुम स्टार किड्स का क्या है यार, एक तो ये स्कूल के पीछे से निकलते हैं और जब इनके पास करने को कुछ नहीं होता तो ये आकर एक्टर बन जाते हैं, चाहे एक्टिंग आए या ना आए। तो यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।